तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नोकिया 6.1 के नवंबर के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर नवंबर का अपडेट मुझे अपने फ़ोन में देखने को मिल चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो ज़रूर से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसके अपडेट साइज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये जो नवंबर का अपडेट है, ये आपको लगभग 106 MB का देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही एक छोटा सा अपडेट है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस अपडेट के फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि नवंबर 2019 का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी नया फीचर इसमें देखने को नहीं मिलता है। वैसे यहाँ पर मैं काफ़ी सारे नए फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहा था इस अपडेट के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी नया फीचर इस अपडेट के बाद देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड 10 के अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड 10 का अपडेट है, ये आपको दिसंबर या जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दिसंबर के एंड तक आपको यह अपडेट देखने को मिल जाना चाहिए। तो अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों अगर मुझे इसके एंड्रॉइड 10 के अपडेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चलता है, आप लोगों को जरूर से बताऊंगा। तो हर बार की तरह मैं अपडेट के बाद इस फ़ोन का रिव्यू ज़रूर से देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर अपडेट के बाद मैंने इसका स्टॉक कैमरा यूज़ करके देखा था। तो यहाँ पर मुझे इसके स्टॉक कैमरा में कोई भी नया ऑप्शन वगैरह देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी भी आपको अपडेट के बाद सेम देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मुझे इस फ़ोन का एक लेटेस्ट गूगल कैमरा मिल चुका है, तो इसके गूगल कैमरा के ऊपर मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको देखना है तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर अपडेट के बाद मैं इस फ़ोन को काफ़ी अच्छे से टेस्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है, वो मुझे लगभग 5 से 5.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अपडेट से पहले भी मुझे इतना ही बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैटरी बैकअप में कोई भी डिफरेंस अपडेट के बाद देखने को नहीं मिलता है। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको अपने फोन में कितना बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर इस फोन में मैंने पबजी खेल कर देखा था। तो यहाँ पर पबजी को आप GFX टूल के मदद से काफ़ी स्मूथली खेल सकते हो। आपको थोड़े से लैग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में अपडेट के बाद कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर नवंबर के अपडेट के बाद मुझे इस फोन में कोई भी बग्स वगैरह देखने को नहीं मिला है। अगर आपको अपने फोन में कोई भी बग्स वगैरह देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। तो ये था सब कुछ जो मैं आपको इसके नवंबर के अपडेट के बारे में बताना चाहता था। तो यहाँ पर दोस्तों इस नवंबर के अपडेट में आपको कोई भी नया फीचर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बस नॉर्मल सा गूगल का सिक्योरिटी पैच ही देखने को मिल जाता है, जो कि हर महीने आपको अपडेट के द्वारा मिल जाता है। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों इस वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस नोकिया 6.1 के रिगार्डिंग चाहिए, तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।